वन आप देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स प्ले न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। में गौकश और पुलिस टीम में मुठभेड़, आरोपी गौकश दिलशाद ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी की फायरिंग। इंस्पेक्टर घाटापुर एस के सिंह के लगी गोली, पुलिस की गोली से गौकशों पे लिफ्ट छात्र दिलशाद के भी लगी गोली, दोनों घायलों को इलाज के लिए घाटापुर भेजा गया। घाटापुर मूसा नगर रोड पर हुई मुठभेड़, कानपुर से संवाददाता तेज सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। शायद है उसमें टू बेल में पहुंची की सूचना मिली थी। इस सूचना में इंस्पेक्टर घाटापुर में पुलिस के टू बेल पे पहुंचे, जो वहाँ तीन लोग थे, तो इन लोगों ने पुलिस को एक फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में पुलिस ने आत्मरक्षा फायरिंग की, जिसमें बदमाश दिलशाद से ये नौबस्ता पूर्वी घाटापुर का रहने वाला है, ये घायल हो गया है तथा इंस्पेक्टर साहब है जो हमारे पैर में गोली लगी है। इस बदमाश दो और इसके साथी थे, वो मेरे के लाभ खतरनाक है, जिसमें पंपिंग की जा रही, तलाश की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से सर बदमाशों की कॉम्बी की जा रही है, इसके अलावा अब हमारे इंस्पेक्टर साहब की हालत कैसी है और उसके लिए क्या कुछ किया जाए? बदमाश को उसके गैंग में गोली लगी है तो उस पर रेफर कर दिया गया अलर्ट है। इंस्पेक्टर साहब के भी अभी एक्सरे कराया जा रहा है और उसके बाद जैसा होगा रेफर किया जाएगा। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों से 25 बोतल पिस्टल मिली है और क्या नाम है गौकशी के छुरा और रस्सी वगैरह सामान मिला है, एक पैसा मोटरसाइकिल।